डिंडौरी में समनापुर पुलिस के विरोध में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डिंडौरी जिले के समनापुर पुलिस के द्वारा पत्रकार के खिलाफ की गई झूठी कार्रवाई के विरोध में जिले के पत्रकारों ने समनापुर पुलिस का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम डिंडौरी कलेक्टर को विकास मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का आरोप है कि पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस के खिलाफ खबर चलाए जाने के बाद एक पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला बनाया गया। वहीं अनेक पत्रकारों के खिलाफ भी झूठा मामला पुलिस के द्वारा बना सकती है। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपते हुए थाना प्रभारी 2 ASI को तत्काल हटाकर निष्पक्ष जांच कराते हुए कार्रवाई की जाने की मांग की है। आज क्या था जिसके वजह से आज आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या पूरा मामला? लगातार ये देखा जा रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ में TI के द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, गुमराह करके बैगा लोगों को यहाँ पे शपथ पत्र बनवाया जा रहा है और लगातार इनके द्वारा जो खबरें लगाई गई हैं जनहित में उसको लेके बौखलाकर TI और उनके थाने में 2-3 जो ASI हैं उनके द्वारा गुमराह करते हुए पत्रकारों के खिलाफ में लगातार मामला दर्ज किया जा रहा है जिसको लेकर आज सामूहिक रूप से पत्रकारों ने CM और गृह मंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे पुलिस खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें जिससे पत्रकार निष्पक्ष होकर अपना काम फील्ड में जाके कर सके और निर्भय हो सके। अगर जैसे अगर कार्रवाई नहीं होता संबंधित थाना प्रभारी के ऊपर तो क्या आपका आगे? ये अभी जिले स्तर तक है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो प्रदेश स्तर तक जाएगा और उग्र आंदोलन भी की जाएगी पत्रकारों के द्वारा। किसी भी तरीके से ऐसा बर्ताव पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू।